अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इकरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मैक्रोनी। चिकन मैक्रोनी के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैक्रोनी 2 कप, चिकन 1 कप, तकरीबन ये 1.5 पाव है, गाजर 1 कप, मटर हाफ बॉयल किए हुए 1 कप, प्याज 1 दरमियानी साइज़ की, शिमला मिर्च 2 से 3 क्यूब्स में काटी हुई, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून और केचप 3 टेबल स्पून। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लेंगे, उसमें 6 ग्लास पानी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हम इसे थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। पानी पकना स्टार्ट हो गया है, अब हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। इसे हिलाएंगे और पकने देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। साथ साथ हम थोड़ा सा चम्मच भी चलाएँगे। दरमियान में आप 2-3 दफ़े इसे ज़रूर हिला लें। मैक्रोनी तकरीबन हमारी गल गई है, अब थोड़ा सा टाइम बाकी है, थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाए। जी, मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है, पक चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे पानी से। मैक्रोनी को हमने पानी में से निकाल लिया, फिर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और हिला देंगे ताकि ये जुड़े नहीं आपस में। मैक्रोनी हमारी बिल्कुल रेडी है, बॉयल हो चुकी है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तकरीबन 1/2 कप जो है वो ऑयल शामिल कर देंगे। फ्लेम ऑन करेंगे मीडियम। प्याज डाल देंगे, प्याज को हम पिंकिश कलर देंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हम लाइट ब्राउन या पिंकिश कलर। प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गया, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। एक मिनट इसे पकाएंगे और फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, और थोड़ा सा नमक। इस टाइम पे यहाँ पे नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करने का मकसद जो है वो ये है कि चिकन जो है फीका ना रहेगा, और आप ट्राई करके देखिएगा, इससे टेस्ट जो है तो चिकन का डबल हो जाता है। चिकन हमारा लाइट ब्राउन हो गया, अब हम इसमें गाजर डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि थोड़ी सी गाजर जो है वो नरम हो जाए। गाजर जो है वो थोड़ी सी नरम हो गई है, तो हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। मटर भी हम साथ ही डाल देंगे, काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, ये सारी चीज़ें डाल के हम इसे हिलाएंगे, थोड़ी देर ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट ताकि शिमला मिर्च और बाकी जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी पक जाए।
यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बंद गोभी भी शामिल की है क्योंकि मुझे इसका टेस्ट पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं पसंद तो आप ऐड ना करें। चिकन और सब्ज़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल पक चुकी हैं, अब हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। केचप शामिल करेंगे। हिला लेंगे। और इसे 2 से 3 मिनट सिर्फ दम पे रखेंगे तो हमारी चिकन मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल रेडी है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही शक्ल से ही बहुत अच्छी लग रही है, खाने में तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। जी तो चिकन मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।